दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में आखिरकार साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल कर ली है और इसी तरह से ये सीरीज़ 1-1 पर ड्रॉ हुई। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और शिखर धवन को छोड़कर हर एक बल्लेबाज ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया और यही कारण है कि भारतीय टीम 20 ओवरों में मात्र 134 रन ही बना पाई। इसके बाद दोस्तों 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही और उनके ओपनर बल्लेबाजों ने ही पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया और साउथ अफ्रीका को एक आसान सी जीत दिलाई। इसी तरह से ये सीरीज़ 1-1 पर ख़त्म हुई और अब हम सभी को वनडे सीरीज़ का इंतज़ार है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने वो तीन बड़े कारण बताए हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम ये मैच हारी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो कारण। पहले कारण की बात करें तो वो रही भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन के आउट होने के बाद से ही भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाया जिसकी वजह से भारतीय टीम के 9 विकेट गिर गए और 20 ओवरों में मात्र 134 रन ही बन पाए। इसके बाद दोस्तों दूसरे कारण की बात करें तो वो रहा ऋषभ पंत का खराब शॉट सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम पिछले काफ़ी मैचेस से देखते आ रहे हैं कि पंत लगातार खराब शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं और इस मैच में भी जब भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी और पंत क्रीज पर थे तो अगर वो सूझबूझ कर आराम से बल्लेबाजी करते तो हो सकता कि इस मैच का अंजाम कुछ और होता, लेकिन दबाव होने के बावजूद पंत ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। तो ऐसे में पंत का खराब शॉट सिलेक्शन भी हार का कारण बना। इसके बाद दोस्तों तीसरे और आखिरी कारण की बात करें तो वो रही भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी। जी हाँ, दरअसल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को शुरुआती झटके देने में नाकामयाब रही जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने ही 76 रन ठोक डाले। अगर गेंदबाज शुरुआत की ओवरों में विकेट ले लेते तो मैच पलट भी सकता था। तो दोस्तों ये तो थे वो तीन बड़े कारण जिनकी वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारी। अब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण कौन सा रहा। जल्दी से जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।